शोरूम से भी दिखाते हैं वीडियो वहाँ पे जो बनाई थी, फिर अभी आपको घर की भी, उसके बाद फिर आपको घर की भी दिखाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अदर व्लॉग। आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं अपने YouTube चैनल में। तो आज मैं मौजूद हूँ टोयोटा कैंट मोटर्स। अभी हम यहाँ से एक न्यू 0 मीटर गाड़ी जो है जिसे कहते हैं शोरूम से उतरवाने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अभी ऑन की डिस्कशन हो रही है, ऑन थोड़ा बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं तो अभी ऑन की बात चल रही है। तो गाड़ी सामने ही खड़ी है, अंदर ही है, तो अभी जैसे ही उसकी की वगैरह आती है तो सारा कुछ आपको दिखाते हैं। तो शोरूम के अंदर जो है वो कैमरा व्लॉगिंग बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो इस वजह से मैं अंदर नहीं जा सकूंगा। गाड़ी जैसे ही बाहर आती है तो फिर इंशाल्लाह आपसे बाहर मिलते हैं। मुझे बताया गया था कि हम गाड़ी ले रहे हैं बिल्कुल मैनुअल, सादी बेसिक वेरिएंट, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो मैं खुद हैरान था कि ये फुल ऑप्शन एक्टिव है, जो कि सरप्राइज़ था मामू का, मामा का और बाबा का। ये लोग सुबह जाके पेमेंट कर रहे थे हाफ, और हाफ शाम को जब हम गाड़ी लेने गए तो तब की, तो इन्होंने तो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ दिया और मैं हैरान था। मैं और फातिम दोनों हैरान थे, फातिम के भी एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। जैसे शोरूम से निकले थे तो शोरूम से निकलते साथ ही थोड़ी सी मैंने रिकॉर्डिंग की थी, आप आगे देखें। मैंने गाड़ी के थोड़ा सा इनसाइड से भी आपको वॉक अराउंड दिया था, और फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। फिर आपको घर से भी आगे रिव्यू दिखाते हैं। तो मुझे तो बहुत सरप्राइज़, बिल्कुल हैरान था मैं, क्योंकि जैसे बताया गया आपको बिल्कुल बेसिक वेरियंट हो और आगे फुल ऑप्शन गाड़ी खड़ी हो तो बहुत हैरानगी होती है, ये सरप्राइज़ था एक। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द व्लॉग। और आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करेंगे, रिव्यू के बाद आपको मेन मेन चीज़ें बताएंगे और बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या स्पेक्स हैं, इसके प्रोज के हैं, इसके कॉन्स के हैं और इसके अंदर फंक्शंस क्या क्या हैं। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ, और इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस में दिए गए हैं हमारी कस्टमर की रिलैक्सेशन के लिए, एयरबैग वगैरह, इसका ट्रिप के अंदर जो हैं ऑप्शंस हैं, अलॉय रिम्स वगैरह, सारे आपको एक एक करके बताते हैं और चलते हैं अपनी वीडियो। तो स्पेसिफिक गाड़ी की बात करें तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इसके फ्रंट से। तो फ्रंट पे आपको बहुत खूबसूरत एक लॉन्ग टेल टोयोटा की मोनोग्राम यानी नेम के साथ आपको एक बहुत लंबी सी लाइट मिल जाती है। उसके साथ आपको मेन फ्रंट पे क्रोम मिल जाता है, क्रोम की ग्रिल मिल जाती है, जो कि बेस वेरियंट्स में नहीं आती, सिर्फ टॉप ऑफ द एंड सबसे जो इसे कहते हैं बेस्ट मॉडल होता है, टॉप ऑफ द लाइन मॉडल होता है, उसमें मिल जाती है। फिर आपको बॉडी कलर में ये टोयोटा के लोगों के साथ ये भी मिल जाता है, और ये टोयोटा के लोगों था, इसके ऊपर भी वाइट स्टिकर लगा हुआ था, आपके लिए भी मैंने उतारा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाता है, जो बेस वेरियंट्स होते हैं उनमें बिल्कुल नहीं मिलता। एज इट इज़ इधर भी हमें फिर सेम लाइट मिल जाती है, अगेन टोयोटा के लोगों के साथ। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर हमें साथ फॉग लैंप्स भी ओरिजिनल बिल्ट इन टोयोटा के ही मिलते हैं, और साथ साथ आपको दिखाते हैं इसकी जो मेन ग्रिल है, जो इसकी मेन ग्रिल है वो काफ़ी बड़ी है, उसका एयर इंटेक काफ़ी बड़ा है, अंदर से आपको एसी फिल्टर रेडिएटर वगैरह नज़र आ रहा होगा, सामने आपको हॉर्न वगैरह भी नज़र आ रहा होगा। तो ये सामने से आपको उसके बारे में हमने बताया, और
साथ आपको ले चलते हैं इसका बम्पर, बहुत खूबसूरत है। इसे कहते हैं कॉम्पैक्ट सेडान। पाकिस्तान में पहले जो जैसे GL आई थी और XL आई थी वो थी कंप्लीट सेडान, इसको कहते हैं यारिस को और होंडा सिटी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेडान, क्योंकि इसमें आता है 4 नट्स के साथ आपको जो व्हील दिया जाता है और उसके बाद आप अपने व्हील पर चलते हैं। व्हील आपको मिलता है इसमें 15 इंच अलॉय रिम। ये भी आपको सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आता है, जो कि सबसे पोस्ट वेरिएंट होता है, उसके अंदर फुल ऑप्शन होते हैं, फुल ऑप्शन वेरिएंट में आता है। इसके साथ आपको ओरिजिनल टायर मिल जाता है, बीजी ट्रैको प्लस का R15 185 का टायर होता है, तो इसको भी चेंज कराने का सोच रहे हैं जैसे बाबा का दिल करेगा। साथ आपको इसके अंदर टोकिको जापानी कंपनी है जिसकी हैवी बैग्स में भी डिस्क आती हैं, टोकिको कंपनी की आपको साथ डिस्क मिल जाती हैं। और फ्रंट शॉक अगर आपको दिखाएं जी, फ्रंट शॉक जो है वो अपसाइड डाउन मोनो शॉक होता है, 4 आपको मिलते हैं इसमें, और ये एडजस्टेबल भी होता है, बोनट से आप कर सकते हैं बोनट खोल के, लेकिन हर चीज़ ओरिजिनल सब बेस्ट होती है, किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में कार आपके सामने। ये सामने इसका बड़ा खूबसूरत सा रिम है, और रिम आपको TRD के लोगों के साथ मिलता है। TRD यानी टोयोटा रेसिंग डेवलपमेंट। टोयोटा रेसिंग डेवलपमेंट एक जापनीज ब्रांड है, इनकी एक जैसे होंडा है उसका RS टर्बो होता है, RS होता है, तो टोयोटा का TRD डेवलपमेंट होती है, और होंडा की टाइप R भी होता है, तो टोयोटा का TRD होता है। TRD मीन्स टोयोटा रेसिंग डेवलपमेंट। इसके अंदर 15 इंच का अलॉय रिम है, जो कि एलुमिनियम के अंदर ब्लैक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही खूबसूरत अलॉय रिम है, मुझे बहुत मज़ेदार और बड़ा पसंद आया, बहुत खूबसूरत अलॉय रिम है। अलग बीच में हमें टोयोटा का लोगो मिल जाता है, जो कि एक कवरिंग में है, यानी कि ये इम्बोज नहीं है, एक कवरिंग में ऊपर प्लास्टिक इसके लगा हुआ है, और बड़ा खूबसूरत एक अच्छा लुक दे रहा है आपको देखने में। बात कर लेते हैं हम इसके स्टिकर्स और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है। बाबा ने भी मुझे कहा था कि ये उतार दो, लेकिन मैं भी चाह रहा हूँ कि थोड़ी भी नई नहीं है तो ना उतारूँ। ऊपर से आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूल DUAL VVTI। ये बिल्कुल न्यू है, मैंने कहा सामने से टोयोटा का ये जो था लोगो, ये मैंने उतार दिया था ताकि आपको दिखाना था, इसके ऊपर भी वाइट पेपर लगा हुआ था, तो एज इट इज बाबा कह रहे थे इसको उतार दो, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो कोई नहीं लगा रहे, जब तक खुद ही लगाए खुद ही उतर जाएगा। नहीं नवी तो 4 दिहाड़े होंगे ना मुझे, वैसे चलो लगा रहे, जैसे ही खुद ही उतरने की कोशिश करेगा हम इसको उतार देंगे। ऊपर से मैंने कहा आपको दिखा दूँ DUAL VVTI, ठीक है जी। उसके बाद हमें इसके बॉडी कलर जो सिल्वर है उसी के साथ हमें इसके जो साइड मिरर, दोनों साइड मिरर्स जैसे कि साइड मिरर्स होते हैं वो आपको बॉडी कलर में मिलते हैं। उसके बाद दोनों साइड मिरर्स पे आपको एक ये लाइट के लिए कवर लगा हुआ है, इसके अंदर हैलोजन लैंप होता है, ये आपको दोनों साइड्स पे मिल जाते हैं इंडिकेटर्स के तौर पे, येलो लाइट इसमें ब्लिंक होती है लॉक अनलॉक पे भी और इंडिकेटर्स में भी। उसके बाद ये इसका मिरर होता है, ये एडजस्टेबल होता है। इसके बाद आते हैं अपने डोर हैंडल पे, डोर हैंडल आपको सेम टू सेम बॉडी कलर का ही मिलता है, और इसके अंदर 2-3 फंक्शंस हैं वो अभी आपको जाके दिखाते हैं। एक टोयोटा ऑटो अलार्म होता है, जो कि इमोबिलाइजर की होती है, वो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताते हैं, पता आप लोगों को होगा लेकिन थोड़ा सा मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद बैक डोर की तरफ आ जाते हैं, बैक डोर भी सेम टू सेम जो बैक डोर है वो भी आपको हैंडल जो है उसका यहाँ पे जैसे PDS ओके, यानी कि ये गाड़ी टोयोटा कैंट मोटर से सर्टिफाइड है, और बिल्कुल उन्होंने ओके करके हमें दे दिया, तब ये स्टिकर लगता है कि गाड़ी बिल्कुल ओके है और ये हैंड ओवर होगी ऑनर के। उसके बाद हम इसके फ्यूल टैंक पे आ जाते हैं, फ्यूल टैंक इसका 42 लीटर का फ्यूल टैंक हमें दिया जाता है, और इसके अंदर रिजर्व जो होता है आम जैसे टोयोटा पिच के बैक मॉडल आते थे, जैसे कि GLI XLI और इवन कि अभी जो ग्रैंडी भी है उसके अंदर भी आपको जो रिज़र्व मिलता है वो 35 किलोमीटर पर मिलता है, और स्पेशली जो यारिस के जितने भी वेरियंट्स हैं उसके अंदर जो रिज़र्व की लाइट होती है वो आपको 62 किलोमीटर पर मिलती है, तो ये एक बेनिफिट है। उसके बाद इसकी बहुत खूबसूरत सी एक बैक लाइट पर हम आप बात करते हैं, इसमें मैं पिक्चर अटैच करता हूँ, आप देखें कि ये रात में कैसी लगती है। बैक लाइट बहुत प्यारी है और बहुत खूबसूरत, जितना ये बैक बूट पे इसकी जितना ये आ रही है उतनी ही ये लाइफ राइट अपने फेंडर पे पूरी आ रही है लाइट, और साथ बड़ा अच्छा कम्बिनेशन दे रही है। इसके अंदर बिल्कुल आपको एक रोप लाइट मिल जाती है, वो भी मैं अटैच करता हूँ साथ, आप देखें आगे। और उसके साथ यहाँ पे आपको एक LED मिलती है जो कि ब्रेक पे आती है, यहाँ पे हमें हैलोजन बल्ब मिल जाता है इंडिकेटर के लिए, और एज़ यूजुअल हैलोजन बल्ब हमें मिल जाता है रिवर्स के लिए। बैक पे भी हमें बिल्कुल टोयोटा का लोगो मिल जाता है, इसके ऊपर भी अभी स्टिकर लगा हुआ है, मैंने नहीं उतारा, नवी तो चाहते पूरे करन दियो फिर आपको उतार के भी दिखाएंगे। अच्छा जी, बिल्कुल यहाँ पे
आपको भी दिखाते हैं कि ये भी टोयोटा का स्टिकर लगा हुआ है और इसके ऊपर थोड़ा सा उतार देते हैं। और ये CVTi और टोयोटा ऊपर लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल ऐसे न्यू थोड़ी सी लगे ना अभी। तो ये CVTi होता है, CVTi उस पर लिखा होता है जो कि ऑटोमेटिक होती है, और CVTi मींस कि इसके अंदर 7 गियर्स हैं और ये मैनुअल ड्राइवेबल भी है, यानी CVTi ट्रिपट्रॉनिक इसका गियर बॉक्स है, वो भी आपको अभी अंदर चल के दिखाते हैं CVTi मींस मतलब क्या होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास एज टोयोटा कैंड मोटर्स अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, अलहमदिल्ला ये उन्होंने लगा के दिया था और अभी हमने इसको रजिस्टर कराना है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है टोयोटा कैंट मोटर्स, ये उन्होंने अपना स्टिकर वगैरह लगाया हुआ था तो उसको हमने अभी रिमूव नहीं किया, उतार देंगे। पर उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है टोयोटा यारिस की बैजिंग, ये YARIS और नीचे लिखा हुआ है ATIV एटिव ATIV। अभी मैंने इसको भी रिमूव नहीं किया तो हो ही जाएगा एक दिन। टोयोटा यारिस एटिव जो वेरियंट आते हैं, एटिव के अंदर आपको 4 वेरियंट्स मिलते हैं, अलहमदिल्ला ये टॉप ऑफ द लिस्ट वेरियंट है। जो बाकी वेरिएंट्स होते हैं वो उसमें आपको मेन चीज़ बता दें तो बाकी जो वेरिएंट्स होते हैं उसके अंदर आपको मैनुअल गियर मिलता है और जो चीज़ें नहीं होती हैं वो इंटीरियर में ज़्यादातर नहीं होती, रिम्स नहीं होते गाड़ी के अंदर। रिम्स जो होते हैं गाड़ी की एक खूबसूरती को बहुत इन्हेंस करते हैं और देखने में भी आपको बड़ा मज़ा आता है गाड़ी को कि जिसके अंदर कम्प्लीट रिम्स डले होते हैं। बैक साइड पर हमें एक ये बहुत खूबसूरत लाइट का विंड मिल जाता है, साथ ये रिफ्लेक्टर मिल जाता है। लाइट इसके अंदर नहीं होती, अगर किसी ने इंस्टॉल करवानी हो किसी भी वेरिएंट में इसके अंदर लाइट नहीं आती। लाइट अगर आपने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवानी हो तो वो इंस्टॉल हो जाएगी, और आजकल साइकिल मोटर्स होती है बहुत अच्छी, वो इंस्टॉलेशन करते हैं, मैं उनको देखता रहता हूँ। और ये रिफ्लेक्टर है और ये लाइट अगर आपने लगवानी हो तो, फिर ये वाली लाइट भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मेन चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको दिखानी थी कि वो होता है कि इसका ये क्रोम, ये जो क्रोम होता है ये आपको किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलता, सिर्फ टॉप ऑफ द लिस्ट फुल ऑप्शन वेरिएंट पे आपको ये क्रोम मिलता है। तो ये जो ओरिजिनल, यानी कि आप चीज़ें बाहर से भी लगवा सकते हैं, आफ्टर मार्केट सब कुछ लग जाता है, लेकिन जो चीज़ ओरिजिनल होती है ना वो ओरिजिनल होती है और उसका कोई मुकाबला नहीं। आप बाहर से ये लगवाएंगे, ये 4 दिन बाद इसके ऊपर गोल्डन कलर आने लग जाएगा और ये काला होना शुरू हो जाएगा। अब ये गाड़ी अभी तक जी वॉश नहीं हुई, ये बिल्कुल अभी 0 मीटर शोरूम से आई है, और क्योंकि शोरूम वाले इतनी क्लियर साफ करके नहीं देते, बस नॉर्मल सी वॉश होती है उसके बाद वॉश। देख रहे हैं ये अभी इसकी वॉशिंग होगी, तो इसके ऊपर जो नहीं कि बड़ा सॉफ्ट सामने कपड़ा रखा हुआ है, उसके कपड़ा मार जाएगा तो उसके ऊपर स्क्रैचेज नहीं आएंगे। अगर आप बाहर से आफ्टर मार्केट कोई भी लगवाते हैं तो उसके ऊपर आप कपड़ा मारेंगे स्क्रैचेज आ जाएंगे और उसके बाद वो ब्रस्टिंग उसकी शुरू हो जाएगी और ब्राउन कलर आना लग जाएगा, यानी कि आफ्टर मार्केट ही होती है, ओरिजिनल नहीं होती। तो अब इसके लोगोज वगैरह भी मैं उतारूंगा और पिक्चर में अटैच कर देता हूँ जो लोगोज उतरे हुए मैं, ताकि आप देख कर लें। तो छत के ऊपर आपको एक ये एंटीना टाइप मिल जाता है और जो कि गाड़ी की बैक साइड से लुक्स को ज़रा फ्रूटी को इन्हेंस करता है और गाड़ी अभी थोड़ी देखने में खूबसूरत लगती है। गाड़ी अभी शोरूम से आया, इसको 1 डे भी कम्प्लीट नहीं हुआ, यस, और मैं फ़ौरन ब्लॉग कर रहा हूँ, और ये बिल्कुल वॉश नहीं हुई जैसे ही उन्होंने हमें दी। उन्होंने वॉश करके दी थी, बिल्कुल उन्होंने वॉश की थी, लेकिन वो इस क्वालिटी को वॉश नहीं करते जिस तरह हम करते हैं, बिल्कुल सादा पानी मार के कपड़ा मार के मैट शर्ट डाल के और ऑनर के हैंड ओवर कर देते हैं। इसकी इंजन की बात भी करेंगे, इंजन कितना न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, इसकी इंजन की कितनी BHP है उसके बारे में भी सारी हम बात करेंगे, और उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि वो क्या 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 करता है। तो पहले आपको बूट स्पेस दिखा लेते हैं, फिर इंटीरियर की तरफ जाएंगे। मैंने सोचा चलें आपको पहले बूट स्पेस दिखाते हैं, फिर आपको बोनेट भी दिखाएंगे और इंजन वगैरह के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशन। इसकी जो बूट है वो हमें मिल जाती है 520 लीटर्स की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं रॉन्ग हुआ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सही वाली लिख दूंगा। तो इसकी जो बूट स्पेस है वो काफ़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू GLI, बल्कि मैक्सिमम बराबर ही है। उसकी 480 है और इसकी 520, यानी कि थोड़ी सी, यानी कि नियर 40 लीटर्स बड़ी है। तो अभी आप इसकी जो बूट है वो ओपन करके आपको दिखाते हैं, तो ये मैक्सिमम थोड़ी हाफ जो है खुद ही ओपन हो जाती है, बाकी फिर अभी ज़रा नहीं है ना, तो साथ इसको हमने भी फुल ओपन कर दिया जी। उसके बाद आपको दिखाते हैं इसकी मेन चीज़, ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी बहुत जगह है इसके अंदर, 520 लीटर की है, बूट स्पेस है, ये उन्होंने मैट्स दिए होते हैं थोड़े जिनसे आप गाड़ी शोरूम से लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाती है इसकी किट, इसके अंदर हमें
जो व्हील ओपनिंग के लिए चीज़ें होती हैं वो थोड़ी बहुत मिल जाती हैं। उसके बाद नीचे आपको दिखा देते हैं, इसके साथ आपको इसी का मेन जो एल्युमिनियम तो नहीं होता, ये मेन स्टील का होता है, ये हमें रिम में इसका मिल जाता है, स्पेयर व्हील जो होता है और उसके भी ऑप्शंस ये आपके पास हैं। तो आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाते हैं जी, वगैरह आती थी यहाँ पे उसकी कालीन के, यानी जो उसका ये स्टफ़ कालीन टाइप स्टफ़ होता है वो लगा होता है, मगर यहाँ पर हमें प्लास्टिक की बड़ी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग जो है वो क्या कह सकते हैं इंसुलेशन या सील लगी मिल जाती है, जो कि एक अच्छी इम्प्रूवमेंट है। और जितनी भी लाइट्स हैं सारी टोयोटा जितनी भी होती हैं, होंडा का मुझे नहीं पता, टोयोटा की जितनी भी सारी लाइट्स होती हैं वो सब मेड इन थाईलैंड होती हैं। और ये आपको मैं अंदर से एक दो फिर दिखा देता हूँ कि नवी जीरो मीटर गड्डी का तुसी भी व्यू ले लो एक बारी ये चीज़। अच्छा जी, उसके बाद बिल्कुल लाइट फिर आपको दोबारा दिखा देते हैं और चलते हैं अब आपको इंटीरियर की तरफ। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमें एक ब्रेक लाइट मिल जाती है, जो कि पीछे बड़ा एक अच्छा सीन आपको आता है गाड़ी में देखने का। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि आपको ABS मिलता है, जो कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है और जो कि बहुत ज़रूरी होता है आपकी गाड़ी के अंदर। साथ इसके साथ हमें इसके अंदर व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिल जाता है और ये सिविक में आता है सिर्फ, अभी अल्टस की ऑप्शन में भी नहीं आया और यारिस में सिर्फ पाकिस्तान में और होंडा सिविक में आता है बस। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल क्या होता है कि पहले तो होता था कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी जो है वो आप कहीं पे भी सफ़र कर रही हैं और आपको इमरजेंसी ब्रेक लगी है तो आप ब्रेक के साथ टायर रुकते नहीं हैं, उनकी पंपिंग ब्रेक लगती है ऐसे ऐसे ताकि आपका स्टीयरिंग मुड़ सके। लेकिन व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल के कि आपकी गाड़ी को उलटने से बचाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी माशाल्लाह ऐसे फीचर्स आ रहे हैं, क्या बात है।